अभी तक आपने देखा भूटान में फ्री एंट्री के बाद हमने फुनसिलिंग को जी भर के एक्सप्लोर किया। अगर आपको भी जानना है भूटान को कैसे घूमना चाहिए तो देर ना करें, जल्दी से जाकर पूरा व्लॉग एंजॉय कीजिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन डे 12 ऑफ ऑल इंडिया राइड ऑन स्पोर्ट्स बाइक। आज का व्लॉग शायद लास्ट हो नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि कहीं भी पांव रखने की जगह नहीं है, पूरा शहर डूब चुका है भाई। पूरा गुवाहाटी पानी से भरा हुआ है यार। मेरे पैरों, मेरे घुटनों तक पानी आ रहा था बाइक पे बैठने के बाद। मेरी आधी बाइक पूरी पानी में थी। मुझे डर लग रहा था कहीं अगर बाइक बंद हो गई, इतने सामान के साथ मैं गिर ना जाऊं। पैर नीचे रखूंगा, गड्ढा होगा, क्या होगा, कुछ भी आइडिया नहीं था। यहाँ पूरी रात जनरेटर चला है भाई साहब। मेरे रूम के बाहर से, मैं कल के विजुअल थोड़े से डाल देता हूँ इस वीडियो में भी, पूरी रात जनरेटर चला है। देखिए मेरे पाँव की हालत भूटान से निकलने के बाद बिना देर किए हुए अपना सामान होटल से लेकर निकल गए हम गुवाहाटी के लिए। चूंकि रास्ता बहुत अच्छा और नजारे कमाल के थे, तो हम रुके तो बस खाना खाने के लिए। सच में ऐसा हाईवे और नजारे तो बस आपको इसी रास्ते पर देखने को मिल सकते हैं। एंजॉय कीजिए। अब शाम होते होते हमारा शरीर हमसे बस यही बोल रहा था, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। लेकिन ये रास्ते मेरे लिए नाइटमेयर कब बन गए पता है? गुवाहाटी पहुंचकर और वहीं हमें ये पता चला कि हम इसे ट्रैफिक सिटी ऑफ आसाम क्यों नहीं कह देते। मैं भगवान से इस ट्रैफिक से निकलने की प्रार्थना कर ही रहा था, पर भगवान ने तो जैसे मेरे लिए नए नए लेवल्स बना रखे थे। कई घंटों के बाद अभी ट्रैफिक से निकला ही था कि सामने जलजला दिख गया। इतना पानी तो मैंने नदी में नहीं देखा था जितना इस शहर में भरा हुआ था। जैसे तैसे हमें एक गेस्ट हाउस मिल गया जिसमें चेक इन करके सच में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली। ये पहला दिन था जब मुझे बाइक से ट्रिप पर निकलने पर रिग्रेट फील हो रहा था और लगा जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बस फिर खाना खाकर यही सोचते सोचते सो गए कि कैसे होगा ये टूर कंप्लीट। हेलो भैया जी, कैसे हैं आप लोग? लोगों का स्वागत है एक बार फिर से ब्लॉग में। कल मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गया था। मेरा सच में मन कर रहा था कि मैं वापस लौट जाऊँ और ख़त्म करूँ ये सब, नॉर्मल जॉब करूँ। सच में लिटरली ऐसा मन हुआ मेरा। बट फिर कल रात सोया और सुबह रेस्ट मिला तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो होता है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम तो आती है, हर चीज़ छोड़ तो नहीं सकता मैं तो अब। और उसके बाद एक मोटिवेशन और मिली कि मैंने पासपोर्ट जो अप्लाई किया था उसका मैसेज आ गया है कि वो डिलीवर होने वाला है, पोस्ट का मैसेज आ गया। तो इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली कि हाँ, मुझे कुछ अच्छा करना है भाई, मुझे लाइफ जीनी है। तो अब यहाँ, हाँ दैट्स मी। और आज हम फुल डे रेस्ट करने वाले हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट देने वाले हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों से मैं सिर्फ ट्रैवल कर रहा हूँ। आज मैं अपने आप को सुकून दूंगा, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और आज सिर्फ कामाख्या देवी टेम्पल जाएंगे और कल यहाँ से निकल जाएंगे मेघालय के लिए। तो स्टे ट्यून्ड। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फाइनली अब निकल रहे हैं घर के बाहर। आज बहुत ज़्यादा सोली है, बाइक भी वॉश करवानी है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है मोगली जी की। चलिए आज चलते हैं अभी कामाख्या टेम्पल। ये था हमारा लॉज, माँ दुर्गा लॉज।
निकलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन डे 13। आज हमें बार बार वापस जाने के ख्याल आ रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ा आराम कर लेने से शायद सब ठीक हो जाए। पूरा दिन आराम करने के बाद हम निकल गए कामाख्या टेम्पल के दर्शन के लिए। और सच में यहाँ के दर्शन के बाद मन में जितने भी उफान थे सब नॉर्मलाइज हो गए। यहाँ दर्शन करने के बाद ऐसे सुख की अनुभूति हुई जो मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता। यहाँ की पॉजिटिव वाइब सिर्फ मंदिर में ही नहीं, यहाँ के लोगों और दर्शनार्थियों में भी आपको भरपूर देखने को मिलेगी। बात करें कंक्लूजन की, तो मुझे बस आप लोगों से यही कहना है कि अगर आपके मन में भी अशांति हो तो माँ कामाख्या आपको शक्ति दें फैसला लेने की। कामाख्या टेम्पल की आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, लेकिन मैं जो आपको मैथोलॉजी बताने जा रहा हूँ वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आपको इस फोटो में देखने को मिलेगी। ये फोटो आपको देख के क्या समझ आता है, छोड़िए इतना जोर मत डालिए दिमाग पे, मैं समझाता हूँ। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ माँ कामाख्या की तस्वीर दिखेगी, जिसमें शेर रूप भगवान विष्णु का अवतार है। उनके ऊपर आप लॉर्ड शिवा को देख ही सकते हो, और माँ कामाख्या जिस पे बैठी हुई है वो भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, कमल का फूल। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बस इतनी सी है कि माँ कामाख्या त्रिदेवों से भी ऊपर है। उसी तरीके से इस पर्वत को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया गया है, जिसके ऊपर माँ कामाख्या विराजमान है। अब मंदिर के दर्शन तो मैंने आपको करवा दिए, त्रिदेवों के दर्शन भी आपको मैं ही करवाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मार दीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो, और अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। एंजॉय कीजिए आप इस पर्वत व्यू को और ड्रोन शॉट को।
तो भैया जी फोटो वगैरह हो चुकी है, अब चलते हैं सीधे रूम में। अब हम काफी अच्छा फील कर रहे थे तो मंदिर से लौटते वक्त हमने सोचा कुछ खा लिया जाए। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और कल हम जानेंगे कि ये ट्रिप कंटिन्यू करनी है या नहीं, क्योंकि मौसम बहुत खराब है तो नॉर्थ ईस्ट थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके थोड़ा हौसला बढ़ाएं तो शायद रिजल्ट पॉजिटिव आए। मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।